ही हेल्दी प्रोटीन रिच रेसिपी है और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसको आप लंच डिनर या इवन ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया है, इसके अंदर थोड़ा सा पनीर स्टफ किया है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मूंग की दाल ली है जो मैंने रात भर गला के रखी थी। आपको इसको कम से कम 4 से 5 घंटे तक भिगो के रखना है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसको एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए हमने ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 ग्रीन चिलीज और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, अराउंड मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है, और हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरीके का बैटर चाहिए हमें, इस कंसिस्टेंसी का। अब हम इसके चीले बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक तवा जिसको मैंने हीट होने रख दिया है और मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। ये जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमने जो फिर ये मूंग दाल का बैटर बनाया है उसको हम इस पे इस तरीके से फैला देंगे। तो यहाँ पे अराउंड मैंने 1.5 लैडर लिया है। ये थोड़े से मोटे ही बनते हैं और इसको आप इस तरह डोसे की तरह बिल्कुल अपने तवे पे फैला दीजिए। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। 2 मिनट्स के लिए इसको यहाँ से पकने देंगे और फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका लेड उठाती हूँ। यहाँ पे फ्लिप करने से पहले हम इस पे थोड़ा सा ऑयल इस तरह भी लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और फिर एक स्पैचुला की मदद से हम इसको धीरे धीरे फ्लिप करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक साइड से अच्छे से सिक गया है। इसी तरह हमें इसको दूसरी साइड से भी सेक लेना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको वापस से फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक गया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ प्याज इस तरीके से, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह ग्रेट करके थोड़ा सा पनीर। ये सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से रोल कर दूंगी। धीरे धीरे आप इसको रोल कर दीजिए। ये देखिए आपका मूंग दाल चीला बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सारे ही चीले बना लेंगे और चलिए इसको सर्व करें। ये देखिए हमारे जो मूंग के चीले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसको आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच कभी भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।